सबसे पहले आप FPS पर नजर डालो। इतने ज्यादा FPS मुझे कैसे मिल रहे हैं, वो भी मेरे लो एंड लैपटॉप में। मैं आपको बता दूं कि कोई BlueStacks या फिर कोई EVX फॉर इमुलेटर या फिर कोई सा LD प्लेयर वाला इमुलेटर या फिर Google Play बीटा वाला इमुलेटर नहीं है। यह एक ऐसा इमुलेटर जो मैंने खुद ने बनाया है, तो आपको स्किनी वर्जन पता ही होगा। जैसे BlueStacks का MSI प्लेयर का जो स्किनी वर्जन रहता है, और जैसे EV4X जो हमारा इमुलेटर रहता है, वो भी हमारा एक BlueStacks का स्किनी वर्जन ही रहता है। उसी प्रकार का ये इमुलेटर, लेकिन इस इमुलेटर को बनाया मैंने खुद ने है, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कंपेटेबल बनाया जिससे ये खुद के इसमें चल जाएगा, हर एक किसी के लो एंड लाइफ पीसी में चल जाएगा। और एक खासियत है इसकी ये भी है, लेकिन इसको हम बुराई भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें फ्री फायर ही चलेगा। इसमें अगर आप चाहोगे फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स के अलावा और कोई सा गेम खेल लो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फ्री फायर के लिए ही कंफर्टेबल बनाया है। और इसमें गेम क्रैश की बात करें तो हम इसमें गेम आपको क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको FPS तो हाई देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इसमें कोई भी ग्लिच या बग देखने को भी नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी और एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले इस इमुलेटर का लोगो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, जिसका नाम रखा है हमने M70 इमुलेटर। इसके बाद आप जैसे इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। देखो इसमें यहाँ पर हमारा ऊपर लोगो देखने को मिल जाएगा चैनल का, और यहाँ पर आपको एक हमारा थंबनेल देखने को मिल जाएगा। थंबनेल क्योंकि मैंने एडिशनल में मैंने खुद ने ऐड किया है, तो हमारा आप यहाँ से डायरेक्ट हमारा वीडियो भी वॉच कर सकोगे, तो आपको हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा तो उसका जानकारी आपको हमारे इमुलेटर पर भी मिल जाएगी। इसके बाद आपको थोड़ा इसका कलर येलो येलो जैसा देखने को मिलेगा, और जो इसका एप सेंटर रहता है वो भी हमारे लोगो जैसा ही आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का। इसके बाद मैं आपका इसके फ्रेम रेट की बात करूँ तो इसके 660 तक फ्रेम रेट जाते, इसी कारण था कि इसी की वजह से मेरे इतने ज्यादा FPS जा रहे थे। अगर मैं इसके वर्जन की बात करूँ तो ये इसका वर्जन पहला ही वर्जन है। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल जाएगा M70 इमुलेटर बाय MP70 टीच। अब बात करें आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो इसकी डाउनलोड लिंक में मेरे चैनल के वीडियो के अबाउट में दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक से इसका इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको इंस्टॉलर से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसलिए आपको ज्यादा MB की जरूरत भी नहीं लगेगी, कुछ MB का है सिर्फ इंस्टॉलर, 2-3 MB का है, और हमारा जो इमुलेटर है वो है सिर्फ हमारे 200 से 250। एक बार जरूर चेक करना हमारे इमुलेटर को, कुछ खराब भी लगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।